वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जो सारे सूट मैं लेके आई थी मार्केट से वो डिंपल दीदी के पास दे के रखी थी 2 दिन पहले, और डिंपल दीदी ने सारे सूट सिल लिए। टोटल 10 सूट हो गया था और उन्होंने सब कुछ रेडी कर दिया। और आज हम वहाँ पे गए हुए थे ट्रायल देने के लिए और मैं यहाँ पे दे रही हूँ ट्रायल, और भाभी पीछे से भी दिख जाएगा कैसे क्या करना है। और वो वीडियो बना रही थी क्योंकि डिंपल दीदी को बजे के करीब और हम जा रहे थे थोड़ा मतलब स्विमिंग के लिए कि थोड़ा सा नहा लेंगे कहीं वाटर पार्क में, और इसीलिए हम लोग निकले हैं। लेकिन आने के बाद देखा सारा वाटर पार्क बंद है, तो हम आ गए हैं एक मॉल में और गाड़ी में लोग ज़्यादा हो गया था, इसीलिए बिनू भैया इस डिग्गी में से निकला है। और अभी हम आ गए हैं ये वाला मॉल में, और मॉल में हमने सोचा कि बॉलिंग कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया था बॉलिंग नहीं किए थे, और बॉलिंग करते वक्त मन बहुत अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, तो इसीलिए। और अर्पित भी खेल लेगा तो उसको भी थोड़ा सा मन लगा रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग कुछ खा पी के घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं और अभी एक एक का बारी होता है स्टार्ट। तो यहाँ पे शुरू से मैं तो अच्छे से खेल रही थी, सबसे ज़्यादा पॉइंट मेरा ही था, और लास्ट आते हैं तो मैं जीत गई सबसे लास्ट। थोड़ा बहुत मशीन में दिक्कतें आ रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अभिषेक ने भी अच्छा खेला है, भाभी ने भी, मतलब सब लोग बहुत अच्छे से खेला है। और अल्टीमेट जो सबसे कम बातें करता है और जिनका एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा कम था वहाँ पे, तो वो लड़का वो है सतीश, तो वो जीत गया था। सबसे ज़्यादा स्कोर उसी ने किया था, तो सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चुलबुली तो मैं ही हूँ, तो मैं एज ए अजीब गरीब टाइप का हरकतें करती रहती हूँ, तो आप लोग इस पे ध्यान मत देना क्योंकि ये मेरा नेचर ऐसा ही है कि मैं हमेशा जैसे चुलबुली टाइप का ही रहती हूँ। तो सब लोग मेरे को यहाँ पे बहन की नज़रिए से देखते, तो कोई कुछ नहीं सोचता है शायद, मेरे को नहीं पता। तो जो भी है ऐसे करते करते हम सब लोग खेल रहे हैं, और अभी खेलेगा सुनील भैया का बारी है, इसके बाद कपिल सर का, फिर इसके बाद सतीश बा एंड फिर भाभी। दोनों दोस्त एक के पीछे एक चल रहे थे, मतलब दोनों सेम काइंड ऑफ हमारा था, मेरा और भाभी का। और बाकी ये है सतीश का सबसे सारा। और इसके बाद हम आ गए थे लकी 9 पे, जो कि गुड़गांव मिक्स के बगल में है,
और यहाँ पे आके खाना वाना खा के पैक करवा के भी थोड़ा सा लेके आए। फिर इसके बाद अगले दिन मॉर्निंग है और मॉर्निंग में भाभी कर रही थी पूजा एंड मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि हम आज जाने वाले हैं घर वापस। और ये मेरा सारा सूट रिम्बल दीदी ने उनके बेटे के हाथ से भेज दिया था सुबह सुबह, और मैं इसको सारा समेट रही हूँ और फिर एक बार देख भी रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे सूट बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ कि घर भी जाने का एक्साइटमेंट है और यहाँ से ना मतलब जाने का भी मन दुख रहा है क्योंकि कुछ नहीं, सब लोगों के लिए बहुत मन दुखता है। एंड यहाँ पे ये मनी प्लांट है, बालकनी है, यहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी के लिए नेट लगाना पड़ता है। और फिर मैंने यहाँ पे मेरा पूरा सामान भर लिया एंड उसके बाद इस साइड से ये व्यू आता है। यहाँ पे पुराना बिल्डिंग अभी तक रिपेयर नहीं किया है, बस नया बिल्डिंग बहुत अच्छे से बना दिया है। एंड यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह खा रहे हैं आलू का पराठा साथ में चाय, एंड बहुत टेस्टी बनी थी, भाभी ने बना रखी थी, वो फटाफट बना लेती है क्योंकि उन लोगों का आदत ही मतलब बहुत पहले से उनका वही है ना, रोटी और ऐसे पराठा टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जैसे हमारे लिए चावल बनाना बहुत ज़्यादा इजी एंड कंफर्टेबल है, उनके लिए वैसे ही रोटी और पराठा बनाना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इसके बाद हम रेडी हो गए थे, फिर इसके बाद अभी अभिषेक ने क्या किया गाड़ी और अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं घर मतलब एयरपोर्ट में।